आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं मंगल ग्रह के बारे में, मंगल दोष के बारे में बताने वाला हूँ, मंगल ग्रह की शांति के बारे में उचित उपाय क्या हैं और उनका समाधान क्या है। मेरा सुझाव है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें सुने, जिससे आपको जीवन में निश्चित ही शुभता प्राप्त होगी और मंगल देवता आपका कल्याण करेंगे। बहनों भाइयों कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने की बूंद से धरती द्वारा हुई थी। महाभारत के अनुसार मंगल का जन्म भगवान कार्तिकेय के शरीर से हुआ था और वामन पुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने जब महासुर अंधका का वध किया था तब मंगल का जन्म हुआ था। देखो इनका गोत्र भरद्वाज है, ब्राह्मण जाति है। इनका वाहन 8 पहियों वाले मूंगा रत्न से जड़ित स्वर्ण रथ है जिसमें 8 घोड़े लगे हुए हैं। इनका स्वभाव क्रूर है, क्रोधी है और पाप ग्रहों की, क्रूर ग्रहों की श्रेणी में ये गिने जाते हैं। पद इनका सेनापति का है। मंगल अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुभ होता है तो वो साहसी होता है, सैन्य अधिकारी बन जाता है, अच्छा सर्जन बन जाता है, अच्छा डॉक्टर बन जाता है और जितना भी फोर्स विभाग है उसमें भी जाने का उसका चांस बनता है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे सेना हो, चाहे बीएसएफ हो। मंगल शनि से शत्रुता करता है पर शनि ऐसा नहीं करता। जन्म के समय मंगल अशुभ होने से बच्चे के जीवन को खतरा रहता है, आंख शरीर के जोड़ ये काम नहीं करते, रक्त की कमी हो सकती है, रक्त विकार भी हो सकते हैं। लग्न में मंगल हो और दूसरे और बारहवें भाव में चंद्र या सूर्य हो तो माता या पिता के जीवन को भी खतरा होता है। इसके मित्र हैं सूर्य चंद्र गुरु और शत्रु हैं बुध और केतु और सम भाव है शुक्र शनि राहु से। ये मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। उच्च राशि इनकी मकर है और नीच राशि इनकी कर्क है। अगर वैवाहिक सुख के संदर्भ में मंगल की भूमिका को देखें तो लग्न सप्तम अष्टम भाव में अगर स्थित मंगल है तो ज्यादा दोष कारक माना जाता है, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में और द्वादश भाव में स्थित मंगल को कम दोषकारी माना जाता है। जन्म कुंडली में इन्हीं भावों में शनि की उपस्थिति हो तो प्रायः मंगल दोष का परिहार माना जाता है। मेष राशि का मंगल लग्न में हो, वृश्चिक का चतुर्थ में हो, मकर का सप्तम में हो, कर्क राशि का अष्टम में हो और धनु राशि का द्वादश भाव यानी व्यय भाव में हो तो मांगलिक दोष का परिहार माना जाता है। मंगल केतु के नक्षत्रों में यानी अश्वनी मघा अथवा मूल नक्षत्र में हो तो भी ज्योतिषी मंगल दोष का परिहार मानते हैं। अष्टम भावस्थ मंगल पर अगर गुरु की दृष्टि पड़े तो ठीक नहीं माना जाता है। अष्टम भाव का मंगल ज्यादा शुभ नहीं होता है, अशुभता ज्यादा दिखाता है और उससे मांगलिक जातिका का विवाह सप्तम भाव वाले मंगल वाले जातक से नहीं करना चाहिए। चलित कुंडली में अगर मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में ना हो तो भी मंगल दोष का परिहार मान लिया जाता है। द्वितीय भाव में मंगल मिथुन या कन्या राशि का हो तो भी मांगलिक दोष क्षीण माना जाता है। लग्न कुंडली में मांगलिक होने पर प्रभाव शरीर पर पड़ता है, अर्थात शरीर से पृथकता होती है, यौन सुख में कमी होती है। चंद्र कुंडली से मांगलिक होने पर मानसिक यंत्रणा मिल सकती है। सूर्य से मांगलिक होने पर आत्मिक सुख में कमी हो सकती है और नवमांश कुंडली के मंगल दोष को वैवाहिक सुख में शांति
नहीं मिलेगी ऐसा मानना चाहिए। मांगलिक दोष इन चारों स्थानों से देखना चाहिए, तब ही सही निर्णय हो पाता है कि अगर जातक मांगलिक है तो कितने परसेंट है। कुछ लोगों के द्वारा शुक्र से भी मांगलिक दोष देखा जाता है। सूर्य शनि राहु केतु भी दाम्पत्य सुख में कमी के लिए जिम्मेदार होते हैं, अकेला मंगल ही नहीं होता है। गुरु शुक्र भी सप्तम भाव में स्थित होकर प्रायः अशुभ फल देते हैं और दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं खटपट करते हैं। अष्टम भावस्थ मंगल उच्च होने पर प्रायः बहुत अशुभ फल देता है। बारहवां भाव का मंगल प्रायः अनैतिक संबंध बनवाता है या व्यक्ति नशे का शिकार हो सकता है। वक्री गुरु बली गुरु लग्न में हो तो भी मंगल दोष का परिहार माना जाता है, क्योंकि सप्तम भाव पे उसकी शुभ दृष्टि होती है। चंद्र मांगल्य योग भी इस दोष के परिहार के लिए शुभ माना जाता है। केंद्र में रूचक योग हो तो भी शुभ माना जाता है। देखो, मंगल सिर्फ अशुभ ही नहीं होता, शुभ भी होता है। धन प्रदाता होता है, पुत्र प्रदाता होता है, भूमि भवन प्लाट का अधिपति होता है, प्रॉपर्टी डीलर्स बिल्डर्स के लिए तो भाग्य विधाता माना जाता है। कुंडली में कारक ग्रह के रूप में हो तो भरपूर ऊर्जा शक्ति देता है और पराक्रम से परिपूर्ण कर देता है, और अकारक ग्रह हो तो हिंसक होता है व्यक्ति, जालसाज हो सकता है, व्यभिचारी हो सकता है और कुख्यात अपराधी भी बना देता है। उपाय बताता हूँ। देखो, यदि जन्म कुंडली में अशुभ फल कारक हो तो मंगलवार के दिन मसूर की दाल, गुड़, लाल चंदन, तांबा, लाल फूल, लाल कपड़ा आदि का दान करना चाहिए, और यदि कारक हो तो उसका रत्न पहनना चाहिए, मूंगा रत्न पहनना चाहिए। अब अगर कारक हो या अकारक हो, कुछ भी मान लो, तो मंगल ग्रह की प्रसन्नता के लिए संकल्प लेके मंगलवार का व्रत करने से बहुत लाभ मिलते हैं। अथवा शुक्ल पक्ष के मंगलवार से प्रारंभ करके मंगल स्तोत्र का पाठ करें और बीज मंत्र है ओम अम अंगारकाय नमः, इसको मंगल यंत्र रख करके विधिवत पूजन करें, पंचोपचार पूजन करें और उसके बाद 11 माला का जप करें। मंगल चंद्रिका स्त्रोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। सावित्री व्रत, अगर कोई मंगलिक जाति का है तो वो सावित्री व्रत कर सकती है। ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। एक और व्रत है, बहुत शुभ व्रत है, मंगला गौरी का व्रत। अगर मांगलिक प्रबल योग है मांगलिक का, तो जातिका के वैधव्य दोष को दूर करने के लिए ये मंगला गौरी का व्रत बहुत अच्छा होता है। यह व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से प्रारंभ करके और लगातार 5 वर्षों तक विधि विधान से करना चाहिए। लाल किताब कुछ निर्देशित करती है मंगल ग्रह के उपायों के बारे में। देखो, लग्न में मंगल अगर किसी का है तो क्रोधी तो वो होता ही है, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी से भी मुफ्त वस्तुओं का उपहार नहीं लेना चाहिए। मिट्टी के पात्र में शहद भर करके सुनसान जगह में दबाने से मंगल शुभ रिजल्ट देता है। चतुर्थ भाव में मंगल हो तो चिड़ियों को मीठा खिलावें, चींटियों को खिलावें, हाथी दांत पास में रखें। पत्नी पीड़ित हो तो चीनी की खाली बोरी छत पर रखें। अब सप्तम भाव में मंगल हो तो बुध से संबंधित या हरी चीज़ें किसी से मुफ्त में कतई न लें और बहन बुआ मौसी को खाली हाथ घर से कभी वापस न भेजें। अष्टम भाव में मंगल हो तो घर का मुख्य द्वार कभी दक्षिण दिशा में न रखें और रोटी सेकने वाला तवा जब गर्म हो जाए तो पानी के छींटे उस पर दें, तब रोटी पकाएं। द्वादश भाव का मंगल हो तो मीठा भोजन करना चाहिए, कराना भी चाहिए। सूर्य को चीनी मिक्स करके जल का अर्घ देना चाहिए और मंदिर में बतासे चढ़ाने चाहिए या बतासे का दान करना चाहिए।
मंगल यंत्र घर में स्थापित करके शुभ मुहूर्त में विधिवत पंचोपचार पूजन करके लाल चंदन कुंकुम मिश्रित अक्षत लाल पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। अगर मंगल की वजह से आप ऋण के बोझ से दब गए हैं तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। किसी योग्य आचार्य से सलाह लेकर के कुंभ विवाह अर्क विवाह विष्णु प्रतिमा से गोपनीय विवाह के बारे में आप सलाह ले सकते हैं, विचार कर सकते हैं। ये विवाह गोपनीय रूप से किया जाता है और इस विवाह में जातक या जातिका का पिता शामिल नहीं होता है। बहनों भाइयों, मेरा ये प्रयास रहता है कि जो उचित समाधान है, देखिए ना कोई ग्रह खराब होता है और ना कोई ग्रह अच्छा होता है, सब अच्छे होते हैं सब खराब होते हैं, केवल स्थान भेद का परिणाम हमको मिलता है। ग्रहों की स्थितियां प्रत्येक कुंडली में अलग अलग होती हैं। कभी किसी की कुंडली में कोई ग्रह बहुत शुभ फलदायक होता है और कभी किसी की कुंडली में अशुभ फलदायक होता है। कभी कभी शुभ ग्रह भी अशुभ फलदायक होते हैं और कभी कभी अशुभ ग्रह भी शुभ फलदायक होते हैं। कुंडलियों की विभिन्न स्थितियां हैं, लाखों लाख स्थितियां हैं। निर्णय विधिवत कुंडली देख करके ही लिया जा सकता है। वैसे भी आप अगर किसी परमात्मा के स्वरूप को मानते हैं, उनको उन पर श्रद्धा रखते हैं और प्रतिदिन किसी मंदिर में अगर जाने का नियम बना लें तो मैं दावा ये करता हूँ कि आप जिंदगी में अनिष्टों से बचे रहेंगे और आप जीवन में असीमित तरक्की करेंगे। लेकिन एक दरबार से अपने आप को जोड़ दीजिए, आप प्रतिदिन उस दरबार में जाइए, प्रभु के दरबार में जाइए, माथा टेकिए, 10-15 मिनट का समय वहाँ दीजिए। निश्चित आपके जीवन में कल्याण के मार्ग खुलेंगे, जीवन में तरक्की करेंगे। अब मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की, जय माता की।